अपने बालों में कलर करने वाली हूँ। स्विस मिटन से मैंने कुछ कुछ ऑर्डर किया था, अपने बैग में, पाउच में, पेंसिल बैग में कहीं भी रख सकूँ। इसका शेप भी बहुत ज्यादा प्यारा है, आप लोग देख सकते हो। ये मैंने इसलिए ऑर्डर किया ताकि मैं अपने आईब्रो को हल्का 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 सा शेप कर सकूँ। Hey guys, this is Diksha Singh. Welcome and welcome back to my channel. I hope you all are doing great. So I am back with another video and आज का video थोड़ा different होने वाला है क्योंकि मैं अपने बालों में color करने वाली हूँ and मैंने स्मिटन से भी कुछ कुछ order किया है, वो भी मैं आप लोगों के साथ share करूँगी. So बिना किसी देरी के video को start करते हैं. So मैं use कर रही हूँ बी ब्लंट का कलर एंड इसका शेड है हनी लाइट गोल्डन ब्राउन. इसमें दिया हुआ है एक डेवलपर कलरेंट एंड एक शाइन टॉनिक भी दिया है, जो कि सारे कलर में नहीं रहता है बट बी ब्लंट के कलर में एक शाइन टॉनिक भी रहता है. एंड उसके बाद है एक ग्लव्स जो लगाकर हम लोग कलर अप्लाई करेंगे एंड उसके बाद कुछ भी नहीं है. एंड ये इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है जो कि मैं नहीं पढ़ने वाली हूँ क्योंकि मैं बहुत तेज़ हूँ, बट नहीं आप लोग पढ़ लेना क्योंकि मैं पहले पढ़ चुकी हूँ. हिंदी में भी लिखा हुआ है, अंग्रेजी में भी लिखा हुआ है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा. सो स्टार्ट करते हैं. सो सबसे पहले एक बोल लेंगे प्लास्टिक का एंड उसमें सब कुछ को मिक्स करना है एंड देन अप्लाई करना. सो मिक्स कर लेते हैं पहले. मेरे को समझ में नहीं आ रहा है मैं ये पूरा यूज़ करूँ या फिर आधा यूज़ करूँ, बट आई थिंक मेरे को पूरा यूज़ कर लेना चाहिए क्योंकि अच्छे तरीके से कलर आ जाएगा. सो आगे बढ़ते हैं. मैं पूरा डेवलपर कंटेनर में डाल रही हूँ. तो डेवलपर के बाद मैं डालूंगी कलरेंट एंड कलरेंट खोलने के बाद ये ऐसे पैक रहता है, बट आप लोग इस कैप के पीछे वाले साइड से इसमें हल्का सा फोर्स करोगे तो ये खुल जाता है. ये खुल गया एंड अब कलरेंट भी पूरा डालेंगे इसमें. कलरेंट एंड डेवलपर मैंने ले लिया है. उसके बाद मैं लूंगी शाइन टॉनिक एंड शाइन टॉनिक भी पूरा इसमें डाल देंगे. सब कुछ ले लिया मैंने और अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे. एंड मिक्स करने के लिए मेरे पास ब्रश नहीं है बट मैं स्पून के पीछे वाले हिस्से से ऐसे मिक्स करूंगी. मैं बताना भूल गई थी, मैंने इस कलर को ऑर्डर किया था नायका से एंड इसका रियल प्राइस है 225 बट अप्रॉक्स 200 तक आप लोगों को ये मिल जाएगा किसी भी ऑनलाइन साइट पे. और अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद यूज़ करेंगे अपने बालों पे. उससे पहले आप लोग कुछ ऐसे कपड़े पहन लो जो कि ख़राब भी हो जाए तो कोई गम नहीं हो. सो मैं भी चेंज कर लेती हूँ, उसके बाद मिलते हैं. सो मैं चेंज कर ली हूँ और अब अप्लाई करना शुरू करते हैं. उससे पहले ग्लव्स पहन लेते हैं क्योंकि हमारे पास ब्रश नहीं है. सो ग्लव्स हो गया है, अब हम लोग बाल में अप्लाई करना शुरू करेंगे. सो सबसे पहले हाफ बाल को ऊपर करके ऐसे क्लच कर लो. सो मैं अपने हाथों से ही अप्लाई करूँगी. तो थोड़ा थोड़ा ऐसे लेकर मैं शुरू करती हूँ अप्लाई करना. कुछ ज़्यादा ही ये खर खर आवाज़ आ रहा है, इरिटेशन. अप्लाई करना सबको आता है इसलिए मैं ज़्यादा डिफाइन करके इसको नहीं बताने वाली हूँ कि ऐसे अप्लाई करना है वैसे अप्लाई करना है. सो आप लोग अपने अकॉर्डिंग, बस आप लोग ये ध्यान रखना कि अच्छे तरीके से बाल में लग जाना चाहिए. सो अब अप्लाई कर लेती हूँ जल्दी जल्दी से बिना बक बक किए हुए. ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है. मेरे को लगा था कि ज़्यादा पड़ जाएगा बट ऐसा फील हो रहा है कि कम पड़ गया है. कम तो नहीं हुआ, अच्छे तरीके से हो गया बट ज़्यादा नहीं हुआ और ऑलमोस्ट लग भी चुका है सारे बालों में. एंड जो लास्ट का बचा हुआ वो भी अच्छे से लगा लेते हैं क्योंकि हम लोग गरीब हैं. छोड़ना नहीं है ज़रा भी. अब इसको टाई कर लेते हैं. सो बाल में कलर तो हो गया है एंड हाथ भी सेफ है, हाथों में कलर नहीं लगा है. सो इसको 30 मिनट्स तक भी आप लोग छोड़ सकते हो और अगर ज़्यादा डीप कलर चाहिए तो आप लोग इसको 45 मिनट्स तक भी छोड़ सकते हो. मैं 45 मिनट्स तक छोड़ने वाली हूँ क्योंकि मेरे को पता नहीं है कलर आएगा भी या नहीं आएगा या कैसा आएगा. तो मैं तो चाहती हूँ डार्क कलर, या क्योंकि मैं रेड शेड पर नहीं गई हूँ, मैं ब्राउनिश शेड पे गई हूँ क्योंकि मेरे को वही पसंद है. रेडिश मेरे को अजीब सा लगता है और मेरे फेस पे भी रेड कलर सूट नहीं करता. सो
सो देखते हैं 45 मिनट्स के बाद। एंड यस, मैं आप लोगों के साथ स्मिटन का कुछ कुछ प्रोडक्ट भी शेयर करने वाली थी, मैं शेयर कर देती हूँ। सो स्मिटन से मैंने कुछ कुछ ऑर्डर किया था और मेरे पास थे 12 ट्रायल पॉइंट्स एंड मैं पे की थी 199 एंड 199 में मेरे को ये सारे प्रोडक्ट्स आए हैं। सो मैं दिखाती हूँ मैंने क्या क्या ऑर्डर किया था। मेरे को याद नहीं अच्छे तरीके से कौन सा 1 ट्रायल पॉइंट का था, कौन सा 2 ट्रायल पॉइंट का था। सो आप लोग देख लेना, अगर आप लोग को इसमें से कुछ पसंद है तो आप लोग ऑर्डर कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं ऑर्डर की थी एम कैफीन का चोको बॉडी लोशन, क्योंकि अभी विंटर्स में हाथ बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं हाथ पैर। सो मैंने सोचा कि अगर आप लोग इसको पर्स में या फिर बैग में कहीं भी कैरी कर सकते हो, इजीली अप्लाई कर सकते हो, इसलिए मैंने छोटा सा ये ऑर्डर किया था। एंड देन मैंने ये प्लम का फुट क्रीम भी ऑर्डर किया था उसी पर्पस से, ताकि ड्राई हो जाए तो इजीली अप्लाई कर सकते। उसके बाद मैंने ऑर्डर किया था ये बेला विटा का टिंट, और ये बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है। इसका शेड है रेस्टबेरी, बहुत ज़्यादा ही पिगमेंटेड है। मैं दिखा रही हूँ, मैं बस ये हल्का सा ऐसे टच करूँगी और इसका शेड देखो कितना ज़्यादा पिगमेंटेड है। मतलब हल्का सा यूज़ करने पे बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से अप्लाई हो जाता है। उसके बाद मैंने ऑर्डर किया था ये खादी का लिप बाम, और इसमें कोई कलर नहीं है, हल्का सा नरिश कर देगा आपके लिप को, अगर आप लोग देख पाओ तो। एंड उसके बाद मैंने ऑर्डर किया है स्विस ब्यूटी का होल्ड मी मैट लिक्विड लिपस्टिक, इस पर लिखा हुआ है। इसका शेड है शायद होल्ड मी डार्लिंग, एंड इसका शेड भी बहुत ज़्यादा प्यारा है, आप लोग देख सकते हो बहुत प्यारा शेड है इसका। और एक बार लिप पे ऐसे अप्लाई करने पे पूरे लिप पे अच्छे तरीके से स्मज हो जाता है, लाइक आप लोग को ये तोपना नहीं पड़ेगा, बस एक स्वाइप में अच्छे तरीके से लिप पे अप्लाई हो जाता है। सो मेरे को इसका ये लिपस्टिक बहुत अच्छा लगा। आप लोग अगर चाहो तो इसका बड़ा भी यूज़ कर सकते हो, बहुत देर तक ये लिप्स पे स्टे भी करता है। सो इसके बाद मैं ऑर्डर की हूँ ये छोटू सा प्लम का बॉडी मिस्ट, और मेरे को लगा था कि ये थोड़ा इतना बड़ा में आएगा, बट ये कुछ ज़्यादा ही छोटा है, बट इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है इसकी। एंड ये भी मैंने ट्रैवल पर्पस से ही लिया है, ताकि मैं अपने बैग में, पाउच में, पेंसिल बैग में कहीं भी रख सकूं, कैरी कर सकूं। तो इसके बाद मैंने ऑर्डर किया है फेशियल रेजर, ये है इवियोर फेस रेजर, ये कुछ इस टाइप का है, पकड़ने में भी काफी सही है। और ये मैंने इसलिए ऑर्डर किया ताकि मैं अपने आईब्रो को हल्का 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 सा शेप कर सकूं, क्योंकि मैं कभी आईब्रो नहीं करवाती हूँ, बस हल्का हल्का सा इधर उधर से ठीक कर लेती हूँ। एंड उसके बाद मैंने एक बहुत ज़्यादा अच्छा चीज़ ऑर्डर किया है, एंड वो है ये फेरी लाइट, एंड ये बहुत ज़्यादा प्यारा है। आप लोग इसको कहीं भी वो प्लग नहीं करना पड़ेगा, आप लोग इसको कहीं भी रख कर और लाइट जला सकते हो। आप लोग को अभी तो लाइट पता नहीं चलेगा, बट लाइट बहुत ज़्यादा प्यारा आता है अंधेरे में। सो बस मैंने इतना चीज़ ही ऑर्डर किया है 12 ट्रायल पॉइंट्स में स्मिटन से। सो अब मिलते हैं 45 मिनट्स के बाद। इटर्निटी लेटर, 45 मिनट से ज्यादा हो चुका है। सो वॉश एंड ड्राई होने के बाद मिलते हैं। 2000 इयर्स लेटर। सो गाइज, मैं हेयर वॉश कर चुकी हूँ एंड कलर आया है, बट कैमरे पे नजर नहीं आ रहा, शायद सनलाइट में अच्छे तरीके से नजर आए, बट कलर आया है। एंड मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोग को दिखा पाऊँ कलर। सो गाइज, कलर तो आया है, बट यहाँ कैमरे पे नहीं दिख रहा है, एंड बाहर सूरज भी डूब चुका है, तो मैं क्लिप अच्छे से नहीं ले पाई, बट कलर मेरे को जितना चाहिए था उस टाइप का कलर आ चुका है। एंड उसमें जो टॉनिक था उसके वजह से बाल का टेक्सचर बहुत सही हो गया और बहुत स्मूथ लग रहा है बाल अब। एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। सो बाय।